कोई शिकायत थी, कोई इन्वेस्टिगेशन थी स्पीकर साहब के खिलाफ, तो क्या उसका तरीका जो अपनाया गया वो यही था कि उनको यहाँ कैपिटल से गिरफ्तार किया जाए, उनको यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया जाए और उसके अलावा उनके घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करके उनके घर वालों को 12 घंटे 10 घंटे जो है वो महबूस रखा जाए? क्या ये एक तरीका है जिसको हम में से यहाँ बैठा हुआ कोई शख्स, खाए वो उधर है या इधर है, क्या इसकी इजाजत देगा? अगर नहीं देगा तो मुझे ये बताया जाएगा कि कौन कौन सा इदारा है आज यहाँ लिखे जनाबे स्पीकर जो इस पार्लियामान से बालातर है, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सा इदारा जो है वो पार्लियामान से ज्यादा तकद्दस है, उसका ज्यादा मोतबर है, या ये कहें कि हमारी पार्लियामान जो है वो सोवरेन नहीं है। ये फैसला आज आपको इस ईवान में करना हो। वज़ीरे आज़म और सुदूर की बात तो छोड़ दें, उनको तो कहते हैं आप सियासत में हैं, उनको तो कहते हैं कि जो जिसके ऊपर इल्जाम आए वो साबित करे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तरीकाकार तो देखो, क्या किसी मुल्क का कानून इस बात की इजाजत देता है? क्या किसी मुल्क में आज तक ऐसे हुआ है कि स्पीकर की बेहरमती की जाए, स्पीकर को बेतौकीर किया जाए?